सो ये गाइस व्हाट्सएप आपका भाई हो चुका है रेडी। और आपका भाई उठा था अभी जस्ट आधे घंटे पहले। अब आधे घंटे पहले भी हम भी उठे थे यार, थोड़ा ना शीशा गंदा, मैं ऐसे करता हूँ जस्ट मिनट, अब दिख रहा होगा यार। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, क्योंकि हम गुरुद्वारे भी नहीं गए थे रात को मत्था टेकने, क्योंकि मैं सो गया था इस करके। और मेरे को एक दो काम है तो काम भी निपटा लेंगे। और भाई गर्मी आ चुकी है, ठीक है, अब क्या ही बोले। अब जरा नीचे हम रेडी शेडी तो हो चुका, टर्बन वगैरह बांध ली अब ना, मैं शर्ट्स वगैरह पहननी साथ में मैंने शुरू कर दी, बिकॉज अंदर सारे इतने कपड़े पड़े हुए थे पहनते नहीं था मैं। बाकी एक दो मैंने शॉपिंग वगैरह भी करनी है, वो भी करेंगे। पर अब जरा रेडी हो गया, अब हम चलते हैं नीचे, फिर आपसे मिलते हैं। सही लग रहा है आपका भाई? और नया फ़ोन का कवर भी मंगवाया था मैंने अमेजोन से, देखो 760 रुपये का कवर है ये। को एक बात समझो कि आपका कुत्ता भी धूप सेकता है, ये धूप ही सेकता रहता है। बाकी यार चलो कोई नहीं, कुंडली खोले फिर से, एक होगी नए दिन की शुरुआत, ठीक है भाई। धूप देख लो कितनी है, बाकी चलते हैं नीचे सीधा चलेंगे ऐसे गुरुद्वारे में। थर्ड एक जल्दी बहुत तब्दीली सेल्फी करवाएंगे, एंड आज क्लास भी है और आज से आपके भाई का सारा शेड्यूल वगैरह सब हुआ। घर की मेरे को रेनोवेशन करानी है इस थर्सडे या फ्राइडे से, खैर घर का भी काम होना शुरू हो जाएगा। बाकी यार कोई नहीं भाई, बहुत धूप है यार कसम से, गर्मी आ गई ना कसम से, अब मन नहीं करता भाई। और कल ना मैं गीता कॉल नहीं गया था, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा वहाँ से आते आते लेट हो गया, आके सो गया, एक दो कॉमिक वगैरह पढ़ी। देन फिर कॉमिक इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यार कैट का पेपर है ना, तो उसके अंदर थोड़ी और इंग्लिश अच्छी प्रनाउंस आउट हो जाए मेरी। बाकी यार फिर आए हम रात को लेट, तो हमने ट्रिपलिंग करके स्कूटी पे चले गए थे दोस्त के दिलप्रीत की स्कूटी पे। बाकी जब मैं कल मैं गुरुद्वारे गया था, मैंने बाइक वगैरह चलाई, इसमें तेल वगैरह डलवाया, 700 का तेल डलवाया, नहीं 500-700 का, हाँ तेल डलवाया, क्योंकि इसकी ना सर्विस ड्यू है और ये 600 किलोमीटर चल चुकी है। बाकी अब कोई नहीं, अब चलते हैं ऐसे गुरुद्वारे। स्कूटी देखो कितनी गंदी हुई है यार। सो गाइस देख रहे हो बार भाई, आज बहुत धूप है भाई, बहुत धूप, फिर सूरज जी पता नहीं क्या करते हैं। बाकी चलो कोई नहीं, खैर अब रेडी हो गया, स्कूटी उठा लिया, अब हम सीधा यहाँ चल रहे हैं अपना गुरुद्वारे मत्था वगैरह टेकने। और भाई क्या ही बोले भाई, धूप कम है ना, क्या ही बोले यार। अब कोई नहीं यार, सब सीधा गुरुद्वारे चलते हैं, आपको तो दिखाते हैं। इतनी गर्मी में भी गाइस देखो लोग घूम रहे हैं इंडिया गेट, बाकी किसी को हम क्या ही बोल सकते हैं यार। यार गोला वाला भाई नहीं खड़ा, वरना आपका भाई गोला खाता अभी। यार अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं, वरना आपका भाई गोला खाता गोला। सुखालसा जी आ चुके हैं गुरुद्वारे साहब, आज संगत भी हैगी ज्यादा। बाकी सवेरे भी गुरुद्वारा कितना खूबसूरत लगता है। बाकी हम चलते हैं सीधा मत्था टेकते हैं, फिर रकाबगंज साबित रहो। गाइस मैंने ना अपना गुरुद्वारा मत्था वगैरह टेक लिया, ठीक है, जल भी ले लिया। अब ना मैं सोच रहा हूँ एक तो मेरे को पटके वगैरह भी लेने, तो आप ही चलते फिर रकाबगंज साहब भी मत्था टेक लेते हैं, चलते हैं। सो गाइज मैं ना गुरुद्वारे नहीं गया रकाबगंज साहब, क्योंकि ना मेरे को मम्मी का कॉल आ गया था कि कुछ काम है तो घर आ, तो मैंने कहा फिर चलो कोई नहीं अब घर चलते हैं। फिर ना हम बाजरा ले रहे हैं, हाथ का दान भाई हमेशा करना चाहिए। बाकी मैं ज़रा बाजरा डाल दूँ फिर दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने बाजरा लिया, सामने आपको पशु पक्षी दिख रहे हैं भाई, आपका भाई हमेशा यहाँ पर डालता है, ये दान हाथ का होना ही चाहिए। बाकी ट्रैफिक बहुत आ रहा है यार यहाँ से। सो गाइज अब ना जरा मैं उतर रहा हूँ नीचे, पहले मैं आया था गुरुद्वारे साहब, फिर मैंने रोटी वगैरह खाई। अब ना भाई अब तो हमारे घर में अब एसी चलाएंगे, तो बिजली का बिल तो भाई मेरे पापा ही भरेंगे ना, मैं तो भरूंगा नहीं, मैं तो कुछ कमा नहीं रहा। नहीं भाई आपका भाई भी भरेगा, ऐसी बात क्या यार, घर ही है मेरा। अब ना जरा मैं बिजली का बिल पे करने जा रहा हूँ, कुछ कैश था बैंक में डिपॉजिट करूँगा, देन पेटीएम के थ्रू उसको पे आउट कर दूँगा। सही है यार, साथ साथ सारा क्लियर आउट कर दो। अब जरा पहले पापा के पास जा रहा हूँ, पापा से पैसे लेने हैं और फिर बिल पे करते हैं। मुँह को ना यार बहुत एक्ने हो गए यार, ये बाहर का खा खा के ना सब बंद कर दिया भाई, अब से हेल्दी। आप मानोगे आज रोटी भी मैंने घर पे ही खाई है, कहीं मैंने बाहर कुछ नहीं खाया आज ब्रेकफास्ट। ये देखो ये एक्ने हो गया है फेस पे। अब चलो कोई इंदर चलते हैं पापा के पास। सो गाइज मैं ना क्लास नहीं गया, मैं आ गया साकेत मॉल शॉपिंग करने अपनी बहन और अपनी मम्मी के साथ, तो आज इंग्लिश की क्लास थी इस करके तो मैं गया नहीं, और बच्चे भी नहीं आ रहे थे इस करके। बाकी अब अंदर मॉल चलते हैं, फिर आपसे कुछ खाते हैं बात करते हैं। तो गाइज ये
मेरी बहन चल रही है आगे और आज हम आए हैं साकेत मॉल शॉपिंग करने। आज हमारा फैमिली टाइम है तो स्पेंड आउट करते हैं इसको। सो गाइस, बाहर तो थी इतनी गर्मी और अंदर देखो चल रहा है एसी। आधे लोग पता क्या करते हैं, सीधा कहते हैं चला मॉल चलते हैं घूमने के, पैसे थोड़े नहीं लगते हैं मॉल। आधे लोग मस्ती बांटने आते हैं। गाइस, आपका भाई आया हुआ है H&M, ठीक है। मैंने ना ये सब लिया, अब जरा हम कुछ नहीं देखते हैं भाई। आपका भाई को तो पता ही है शॉपिंग करना कितना अच्छा है। मैं कब से बोल रहा था शॉपिंग करनी है, तो अब जरा मैं ये लाया हूँ, पहन के देखता हूँ सारे ब्रांडेड कलर हैं, देखते हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने एक्सल साइज दिया यार, मेरे को बहुत ही ढीला हो गया भाई, पीछे से भी देखो आप। चलो देखते हैं यार, इसका एल साइज देखते हैं। तो दोनों के डिज़ाइन यार बहुत अच्छे हैं, बट साइज़ हों यार इनके अंदर, देखते हैं ट्राई करते हैं जरा, शॉपिंग करेंगे भैया दबा के। सो गाइस, हमने शॉपिंग तो कर ली थी, अब हम आए हैं स्टारबक्स। हमने कहा चलो कुछ थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, तो हमने कॉफ़ी का ऑर्डर वगैरह दिया। कॉफ़ी बन चुकी है, अभी उम्मीद अच्छी आ गई मेरी रह गई, तो बस कॉफ़ी आती है फिर वहाँ से सीधा चलते हैं घर। गाइस, साकेत मॉल भी बहुत बदल गया, देखो बाहर सारी फ्रेंचाइजी ब्रांड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिलता है, सारा बदल गया, बहुत बदल गया। गाइस, हम ना शॉपिंग करते करते मैंने सारी शॉपिंग तो कर ली, तो मैं घर का थोड़ा सामान भी देख रहा था, तो मैंने कहा भाई थोड़ा मैं घर का सामान भी देख लेता हूँ अपने स्टडी टेबल के रिगार्डिंग। मैं सारे यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या ही बोले, पहले तो भाई 15,000 रुपये मॉल में फूक के आ गया, अब यहाँ पर थोड़ा घर का सामान देख लेंगे 2,500 का भाई। तो भाई जो होता है पहले ज़रा सामान देता हूँ घर का, क्या अच्छा लग रहा है मैं देखता हूँ। सभी जस्ट मैं आया था वापसी घर, इसको मैं 4 घंटे बंद करके था ना, ये देख रहे हो कैसे उछल रहा है कि नीचे लेके चल। अब इसको लेके जा रहा हूँ मैं नीचे भाई, बहुत ही ना गंदा कुत्ता है ये, देखिए हाथ नहीं आता, क्या ही बोलूँ मैं, कुत्ता भी तो मेरे है, मैंने ही पाला है, मगर है एकदम देख लो इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ से चला भी जाएगा। बाकी आज भाई और वगैरह सामने खेल रहे हैं, चलो इधर आओ, देख रहे हो इधर कभी मैट लेके आना मेरे को एक, चल चला चलो क्या सुन रहा है, अब इसको हम नीचे लेके चलते हैं घुमाने, देखो चल चल चल, अब नहीं आएगा, देख रहे हो आएगा ही नहीं, चला। तो गाइज, इसको मैं कश्मीरी पार्क लाया हूँ, अपने पार्क में घुमाने लाया हूँ, बाकी मैं अभी बहुत टाइम बाद ही आया हूँ इस पार्क के अंदर। बाकी मेरा बचपन पूरा भाई यही बीता है, सारा बचपन यही बीता आपके भाई का। बाकी इसको थोड़ा झूले वगैरह खिलाते हैं, घुमाते हैं, ये कहता है मेरे को छोड़ दो। सो गाइस, अब पता क्या हुआ, एक्चुअली कुलप्रीत को मैंने फ़ोन किया था, तो कह रहा था कि मैं तिलक नगर के साइड चला गया हूँ, तो आज वो जिम नहीं जाएगा, तो दिलप्रीत के साथ मैं जाऊँगा। और भाई मैं जस्ट अभी आया था अपना, क्या कहते शॉपिंग वगैरह सब कुछ करके, और बाकी अब क्या ही बोले यार, जो भी होगा। तो भाई आपसे मैं निकलता हूँ ना, मेरी बहुत अच्छी वाइब आती है, वाइब इन द सेंस भी क्या, कि वन मेरा एक ड्रीम है भाई कि आपके भाई ने घर यहाँ पे लेना है, अब वो ड्रीम देखते हैं कब हमारा फुलफिल वगैरह, जब भी होगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी ना ये आपके भाई का एक ड्रीम है कि आपके भाई ने ना यहाँ पे घर लेना है, और मैं आपको घर दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है यार। कहते हैं ना अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए सब कुछ आपको अचीव आउट करना ही पड़ रहा है यार, मैं आपको घर दिखाऊंगा भाई, आप है ना आपके भाई का एक दिन होगा, जरूर होगा। तो गाइस, हम ना अकेले जिम आ गए, दिलप्रीत भी नहीं आया, उसको कुछ काम पड़ गया था, तो हमने कहा चल कोई नहीं यार जिम तो जाए, हम जिम आ गए फिर यहाँ से जाकर कुछ अच्छी जिम डाइट खाएंगे। तो अब हम फिर जिम के बाद सीधा आ गए रेस्टोरेंट पे, तवा चिकन लेने, हम खाई अच्छी डाइट लेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे,